क्लास स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। हमने लास्ट क्लास के अंदर एक्सरसाइज 2A कंप्लीट की थी और आज हम क्लास के अंदर एक्सरसाइज 2B स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हमने प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन इनके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन हमने एक्सरसाइज 2A इससे पहले हमने कंप्लीट बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किया था और एक्सरसाइज 1-2A के अंदर भी उनके प्रॉपर्टीज जो क्वेश्चन यूज हो रहे थे वो भी हमने कंप्लीट किए थे। अब मैं मेन आपके प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन के अंदर प्रॉपर्टीज कौन कौन सी यूज हो रही है और उनके बारे में भी कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टीज है आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी। फर्स्ट प्रॉपर्टीज है क्लोजर क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टीज में क्या होगा आपकी कोई भी दो नंबर एनी नंबर हो गए एग्जांपल देकर आप समझना नेगेटिव से। अच्छा आपको एग्जांपल से एक ही समझ में आएगा कोई एनी एक दो नंबर दिए मैंने 3 और 4 नंबर दिए मैंने 3 एंड 4 नंबर है आपके होल नंबर है जो होल नंबर चल रहे तो नंबर भी कैसे आने चाहिए होल नंबर आने चाहिए 3 एंड 4 होल नंबर है और इसका मल्टीप्लिकेशन के अंदर अपने को प्रॉपर्टी लगानी है तो 3 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू क्या आ जाएगा 12। ये आपके नॉर्मली हो गए क्लोजर प्रॉपर्टी। नेक्स्ट आपके प्रॉपर्टीज आते हैं कॉम्बिनेटिव प्रॉपर्टी या इसमें लैंड भी नॉट कर सकते अपन होल नंबर होल नंबर आर सेट टू बी कॉस 100 मल्टीप्लिकेशन। अपन एनी टू मोल नंबर ले रहे हैं और उन मोल नंबर का मल्टीपल कराने पे वापस अपन को वही मोल नंबर प्राप्त होंगे। ऐसे नहीं कि आप ऐसा कोई इंटीजर नेगेटिव नंबर हो ऐसे आपको प्राइम नंबर वो प्राइम नंबर होल नंबर के अंदर भी आ जाता है पर तो 3 मल्टी 3 की होल नंबर है और पॉजिटिव होल नंबर 12 भी कहते हैं होल नंबर है तो होल नंबर आर सेट टू बी क्रॉस अंडर मल्टीप्लिकेशन। ओके ये नॉट के लिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी दे रहा है कॉम्बिनेटिव प्रॉपर्टी। सेकेंड नंबर कॉम्बिनेटिव प्रॉपर्टी कॉम्बिनेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है आपके आप दो नंबर लेने एग्जांपल लेके मैं समझा रहा हूँ आपको लैंग्वेज हिंदी आपको एग्जांपल से समझ में आ गया। मैंने 4 मल्टीपल 5 लिए इतना हो गया 4 मल्टीपल 5 20 यदि मैंने पहले 4 नॉट जब भी 5 नॉट किया तो पहले मैं आपके पास चेंज करने से पहले 5 नॉट जब भी 4 नॉट करता हूँ तो भी क्या वैल्यू आ रही 20 आ रही। तो इसमें क्या होता है ए मल्टीपल बी इक्वल बी मल्टीपल ए यह आपकी प्रॉपर्टी यू दौड़ी है। ओके नॉट कीजिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। थर्ड नंबर प्रॉपर्टी आपके एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज में आपको अपने अभी तक दो प्रॉपर्टीज की क्लोजर और कॉम्बिनेटिव उनमें अपने दो दो
नंबर दिए, टू नंबर दिए और इसके अंदर आपको थ्री नंबर लेने, कितने थ्री नंबर लेने, फिर इसकी प्रॉपर्टी प्रूफ होगी। एग्जांपल लेता हूं, मैंने थ्री नंबर लेना था, टू थ्री एंड फोर नंबर, ये लिए मैंने नंबर टू थ्री फोर। अब इसमें मैं प्रॉपर्टीज का यूज लेता हूँ, मैं टू मल्टीपल थ्री पहले कराता हूँ, फिर इसके अंदर फोर का मल्टीपल कराता हूँ, तो कितना हो जाएगा, टू मल्टीपल थ्री सिक्स, सिक्स को मैंने फिर वापस फोर से लगा दिया, कितना हो गया ट्वेंटी फोर। ओके, अब मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे तो टू मल्टीपल थ्री कराया, अब मैं क्या करूंगा, टू को अलग सेपरेट रखूंगा और थ्री मल्टीपल पहले फोर कराऊंगा, थ्री और फोर का फर्स्ट मल्टीपल, फिर टू से मल्टीपल कराऊंगा, तो टू का टू टेन और थ्री फोर का ट्वेल्व, फिर 12 को वापस 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 34, तो दोनों की वैल्यू जैसे इक्वल सीक्वेंस चेंज करने पर कुल वैल्यू भी बढ़ता है, तो इसके अंदर आपको मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज के अंदर एडिशन की प्रॉपर्टी यूज होती है। नॉट इज एक बार नॉट करना, तो वी नॉट कर सकते, तो वी से जितने देर मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन परसेंट द एसेंशियल मल्टीपल करें तो अपन को जीरो पॉइंट होगा, तो अपन को फोर से मल्टीपल जीरो नहीं करेंगे।
7 को मैं कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूं? 0 आएगा तो कौन से नंबर हो जाएंगे? 0 और 3 और 0 से मल्टीप्लाई किसी नंबर को मल्टीप्लाई करने पे अपन को 0 फाइंड होते हैं। नॉट कीजिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इसका इंटरमेंट हो जाएगा ब्रैकेट को अंदर ओपन करने के बाद भी आप 100 रुपए उससे सेव हो जाएगी।
अब एंट्रेंस की क्वेश्चन करते हैं। नंबर टू में इस ऑफ द फॉलोइंग एक ट्रू स्टेटमेंट, इसमें कौन सा स्टेटमेंट है और उसको आपको मल्टीपल करना है जो भी आता है। क्वेश्चन देने का पेज इन द ब्लैंक विद एक बॉल नंबर लास्ट डे आपने क्वेश्चन 57 मल्टीपल 29
57 multiple 20 plus 57 multiple list दे रखा है, फिर यहाँ पर हमने number find किया था 57 multiple 4, तो इसको क्या है 29 को आपको इसमें तीन parts में add कर दिए 20 और 4, तो कितना आ गया 24. अब यहाँ पे 24 के अंदर कौन सा number add करेंगे 29 में देंगे, तो यहाँ पे आप 5 number add करोगे तो 29 10 answer आएगा. Note कीजिए. सेकेंड नंबर क्वेश्चन, सेकेंड नंबर क्वेश्चन आपके प्रॉपर्टीज की क्या लेन नॉन करना है आपको. The property used is of the following. First is the 37 multiple of C A F G 28 multiple of 70 equals 70 multiple of 28 or E F G is given in the guy 1538 multiple of 17 plus 1538 multiple 3 इक्वल से ले लेता है 1538 मल्टीपल ब्रैकेट प्लस 70 प्लस 3. अब इसका आपको केवल प्रॉपर्टी नेम नोट करना है और उसमें करना है सॉल्व नहीं करना है. ओके, तो इसके अंदर फर्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी यूज हो जाएगी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी यूज हो जाएगी. क्यों 1 से मल्टीपल करने आइडेंटिटी मतलब या इंडिपेंडेंट यूनिट प्रॉपर्टी दोनों एक ही चीज है. आइडेंटिटी प्रॉपर्टी सेकेंड के अंदर आपको होते हैं कॉमन एंड प्रॉपर्टी. कॉमन एंड प्रॉपर्टी लास्ट के अंदर होते हैं आपके ई के अंदर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. इसके अंदर आपकी प्रॉपर्टी हो जाएगी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. सेकंड नंबर क्वेश्चन के ए सी और डी मैंने जोड़े हैं, आपको बी डी है बी और डी है आपको करना है. इसमें मैं आपको और भी बता सकता हूँ कि डी नंबर पर आपकी प्रॉपर्टी लग जाएगी जीरो प्रॉपर्टी एंड लास्ट डी के अंदर पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और एफ में भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. ओके, हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रॉपर्टीज कंप्लीट किए थे और एक्स टू बी के क्वेश्चन पर सेकंड कंप्लीट किए थे. प्यासा कर तो आपको सारा आपकी क्लास पूरी समझ में आई होगी और आपको समझ में आए और मैं ऐसा करता हूँ कि आप लाइक कीजिए और शेयर कीजिए.